गुड मॉर्निंग। ये देखिए, ये चैप्टर नंबर 10 है। वैसे ये आप लोग पिछले साल निर्देशांक ज्यामिति के आगे का है। पिछले साल आप लोगों ने पढ़ा है निर्देशांक ज्यामिति, वहीं से इसका ओरिजिन है। ये चैप्टर नंबर है 10। आप देखिए सरल रेखा, तो सरल रेखा का पहला समीकरण ये क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। आई बात समझ में? तो अगर मान लीजिए पहला यह कोई क्वाड्रेंट है, आप इतना देख लीजिए, ये जीरो है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। समझ में बात आ गई? तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसका फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आ गया? पहले क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, दूसरे में होता है माइनस प्लस, और तीसरे में होता है माइनस माइनस, और चौथे में होता है प्लस माइनस। समझ में बात आ गई? तो इस तरह से आप क्या करेंगे, क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है। जैसे लिखा हो माइनस थ्री और फाइव लिखा है, पूछा जाए किस क्वाड्रेंट में होगा, किस चतुर्थांश में होगा, तो आप देखेंगे कि माइनस थ्री पहला माइनस है, फिर प्लस है, देखिए माइनस फाइव प्लस है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरह से लिखा हो थ्री और माइनस फोर, थ्री माइनस फोर लिखा है, किस क्वाड्रेंट में होगा, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू निगेटिव है, ये देखिए ये पॉजिटिव निगेटिव ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। समझ में बात आ गई? तो देखिए पहला जो पॉइंट होता है, ये देखिए लिखा माइनस थ्री फाइव, अगर सपोज कर लीजिए पी, ऐसे तीन लाइन कर देंगे तो पी का कोऑर्डिनेट माइनस थ्री और फाइव है, तो हमेशा ये क्या होगा, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, वाई इक्वल टू फाइव। यह क्या कहलाता है, ए भुज कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, ए कोटि कहलाती है। समझ में बात आ गई, कोटि। तो ये पहली सब भुज, एक्स की वैल्यू भुज होती है, वाई की वैल्यू कोटि होती है। समझ में बात आ गई? तो ये सब क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में आपको पिछले साल पढ़ाया गया है, और भी नाइन्थ में भी है। अब देखिए क्या है, पहला फार्मूला क्या है, ये देखिए पहला फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला ये है, नंबर फर्स्ट P इक्वल टू लिखा है एक्स वन वाई वन, तथा Q इक्वल टू एक्स टू वाई टू। ये देखिए P एक्स वन वाई वन तथा Q एक्स टू वाई टू के बीच की दूरी, के बीच की दूरी इक्वल टू क्या लिखते हैं, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। देखिए ये पहला फार्मूला है। समझ में बात आ गई? अगर मूल बिंदु से जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स टू वाई टू नहीं रहेगा, एक्स वन और वाई वन का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में बात आ गई? तो ये देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी। उसके बाद से आता है दूसरे नंबर का, आता है अंतः विभाजन, अंतः विभाजन। देखिए अंतः विभाजन में क्या होता है, अगर सपोज कर लीजिए P एक्स वन वाई वन तथा Q क्या है, एक्स टू और वाई टू है। ठीक है, और इस रेखा को एम संबंधी एन के अनुपात में, और एक पॉइंट ले लिया यहाँ पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स और वाई है। अब देखिए इसका फिगर आप कैसे बनाते हैं, ऐसे देख लीजिए, ए है अंतर विभाजन, ये पॉइंट क्या है ए, ए है रे, ये पी है, इसको मान लिया Q, और पॉइंट A यहाँ पे लिख दिया हमने, ले लिख दिया X और Y,
यह यम है और यह यन है। पी के कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन, क्यू के हैं एक्स टू वाई टू, ये जीरो है, एक्स एक्सिस है, ए वाई एक्सिस है। तो अंतर विभाजन के निर्देशांक क्या होंगे, पॉइंट ए की वैल्यू क्या होगी, ये चीज़ हमको बताना है। तो बिंदु एक्स वन वाई वन तथा क्यू यू है एक्स टू वाई टू को मिलाने वाली रेखा को एम संबंध एन के अनुपात में बांट रही है। तो अंतर विभाजन का सूत्र क्या होता है, एक्स इक्वल टू एम टू एक्स वन, या यहाँ देखिए एम एम वन एम टू ले लें, चाहे चलिए वही लिख दे रहे हैं, यहाँ लिखा है क्या एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, समझ में बात आ गई। देखिए हम लेते हैं एम को लेंगे एक्स टू के साथ, एन को लेंगे एक्स वन के साथ, एक्स वाई इक्वल टू होगा एम वाई टू माई प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, ये देखिए अंतर विभाजन, ठीक है ना। इसी प्रकार तीसरे नंबर पे क्या होता है, बाह्यतम, बाह्यतम विभाजन, बाह्यतम विभाजन में क्या लिखते हैं, एक्स इक्वल टू बीच में माइनस लगा देते हैं, फार्मूला यही होता है एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन, और वाई इक्वल टू एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन, समझ में बात आ गई। ये क्या है, ये ध्यान में रहे, ये बाह्यतम विभाजन, ये अंतर विभाजन, ठीक है। अब दूसरा होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक, ये है मध्य बिंदु की निर्देशांक। ये देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक, ये होगा तीसरा मध्य बिंदु के निर्देशांक। आप समझ लें क्या होता है, ये देखिए ए क्वाड्रेंट, यहाँ पॉइंट लिखा है ए, यहाँ पे लिख दिया बी, ये हुआ एक्स वन वाई वन और ये है एक्स टू वाई टू, ये पॉइंट पी है, इसके क्वाड्रेंट हो गया एक्स वाई, समझ में बात आ गई। तो मध्य बिंदु का मतलब क्या है, दोनों मिडिल में है, यहाँ पे रख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे है, यानी वन रेशियो वन के अनुपात में है, ये दिया हुआ है, समझ में बात आ गई। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक तो लिखेंगे क्या, बिंदु इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, बिंदु ए एक्स वन वाई वन तथा बी एक्स टू वाई टू को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पी एक्स वाई के निर्देशांक, ये देखिए पी वाई के निर्देशांक क्या होंगे, एक्स इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, वाई कोऑर्डिनेट वाई वन प्लस वाई टू बाई टू हो गया, समझ में बात आ गई। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो पहला फार्मूला दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अगला फार्मूला बताए हैं अंतर विभाजन बाह्य विभाजन, उसके बाद क्या बताए हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक, ओके। अब जो है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, आई बात समझिए, नंबर फोर, नंबर फोर, त्रिभुज का क्षेत्रफल, हेडिंग लिख लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। माना कि
बी तथा सी शीर्ष वाले त्रिभुज के निर्देशांक क्रमशः x1y1 x2y2 तथा x3y3 है। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, ये देखिए आप एक ट्रायंगल बना लें, एक ट्रायंगल बना लें, यह लिख देंगे BC, इसके कोऑर्डिनेट x1y1 x2y2 और इसके कोऑर्डिनेट x3y3 हो गया। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 आधार गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है, ये जानते ही हैं त्रिभुज का, इसको मेंसुरेशन में पढ़ाया गया है। तो यहाँ देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 तो होगा, 1/2 लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे x y - y प्लस x y - y प्लस x y - y लिख दिया, बड़ा ब्रैकेट बना लिया। अब देख लीजिए क्या चीज़ होता है, यहाँ पे देखिए तीन शीर्ष हैं, इसलिए x y - y1 x y - y1 x y - y लिखा हुआ, समझ में बात आई, यह थोड़ा कंजस्टेड है तो आप यहाँ लिखिए, थोड़ा दूर दूर लिखना है ताकि समझ में आए, नहीं उसी में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 ब्रैकेट लगा लीजिए x y - y प्लस x y - y हो गया प्लस x y - y ये ब्रैकेट बंद इक्वल टू 1/2 ये ब्रैकेट लगा लें। अब देखिए अब पहला काम क्या किए हैं, x1 यहाँ पे है तो पहले पॉइंट पे आप लिखेंगे x1, आप ऐसे सर्किल बना लीजिए, यहाँ पे देखिए 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, तो 1 2 3 ये ग्राउंड हो गया, तो 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3, देखिए 1 2 3। अब वहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया, अब आप आ गए 2 पर, x2 पर, तो यहाँ पे लिख देंगे x2, तो x2, अब देखिए 2 के बाद क्या है, 3 है, तो यहाँ पे लिख दोगे 3, यहाँ पे लिख दो 3 के बाद 1, ठीक। अब यहाँ देखिए x2 तक आ गए, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, x3 लिखेंगे, अब देखिए x3 लिखेंगे, अब 3 के बाद क्या है, 1 है, तो 1 लिख देंगे, यहाँ 2 लिख लेंगे, हो गया। इस तरह से ये फार्मूला आप याद रखेंगे कि कैसे होता है। नंबर फाइव में देखिए संरेख होने का प्रतिबंध। अब भाई बोलो संरेख क्या होता है, संरेख होता है, हमने यहाँ देखिए 3 बिंदु ABC लिखा हुआ है, तो तीनों के शीर्षों को मिलाए तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, लेकिन अगर तीनों ऐसे हैं, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पर जो है बी है, यहाँ पे सी है, तो इसको आप मिलाइए तो क्या बन गए, तो एक स्ट्रेट लाइन है, संरेख है, संरेख होने का मतलब एक ही रेखा में हो, उसे हम क्या कहेंगे, संरेख कहेंगे, ओके। संरेख होने का प्रतिबंध होता है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1y1, इसके भी x2y2, इसके हैं x3y3 हैं,
समझ में बात आ गई, ये हो गया। तो संरेख होने का मतलब ये देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जीरो, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला ये है। तो लिख देंगे क्या, देखिए एक्स वाई माइनस वाई एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू जीरो। अब इसमें भरना जानते ही हो, वन टू थ्री, वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, टू के बाद थ्री ए वन, थ्री के बाद वन ए टू, ये हो गया संरेख होने का प्रतिबंध। ठीक है, तो आप इतना तो आपको हमने पुराना रिवीजन कराया। ओके, पहला टॉपिक इसमें है, जो पहला टॉपिक दिया है वो रेखा की ढाल दिया हुआ है। ठीक है, तो रेखा की ढाल देखिए क्या होता है, रेखा की ढाल, ढाल आप जानते हैं इंक्लिनेशन, ढाल का मतलब क्या होता है, इंक्लिनेशन होता है इंग्लिश, उसका इंक्लिनेशन होता है। अब देखिए थोड़ा सा किस पे हम नज़र डाल दे रहे हैं, ये आपका क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो कोई रेखा होगी तो क्या होगा, यहाँ ये देखिए ऐसे कट करती है, ये जो कोण बनाएगा वही रेखा की ढाल होगी, ये जीरो हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस। तो ये जितने डिग्री का कोण बना रही है या जितने एक थीटा इक्वल टू, तो इसी को हम कहते हैं रेखा की ढाल, इंक्लिनेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। इस रेखा की ढाल क्या होगी, ये थीटा हुआ, थीटा कितने डिग्री का कोण बना है, यही चीज़ रेखा की ढाल होती है। तो ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट डे शुरू करेंगे। ओके विद्यार्थियों, इतना आप रट लीजिए, अब जो है सरल रेखा चलेगा इधर, और बाकी क्वेश्चन कल देखेंगे। ठीक, थैंक यू। ओके सर।